ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणी की खबरों में। खबर बाड़मेर के समदड़ी से, जहां पर निकटवर्ती सिलोर ग्राम पंचायत के पाबूपुरा गांव में भील समाज जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बालोतरा पंचायत समिति के प्रधान उमाराम भील ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेले, ना कि बदले की भावना से। पाली की सोजत सिटी में राजोला कल्ला गांव में महाराजा सूरजमल जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सूरजमल यूथ ब्रिगेड पाली के कार्यकर्ताओं ने महाराजा सूरजमल का 254वां बलिदान दिवस मनाया। जोधपुर के ओसिया में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए राज्य सरकार हमेशा तत्पर रही है। वहीं श्रमिकों के हितों व अधिकारों के लिए मारवाड़ निर्माण मजदूर यूनियन हमेशा संघर्ष करता रहा है। निर्माण श्रमिक संगठित होकर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं, और वहीं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही गई। भीलवाड़ा के बनेड़ा में लांबा गांव में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन जिला राइफल संघ के सचिव भगवत सिंह कानावत ने किया। प्रतियोगिता के पहले मैच में बनेड़ा ने कोडलाई को मुकाबले में हरा दिया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में दाता नीलावरी गांव में 8 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। जोधपुर के लूणी में तहसील के पाल ग्राम पंचायत के सरकारी विद्यालय में नेहरू युवा केंद्र जोधपुर के द्वारा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अजमेर के भिनाय में मसूदा विधायक सुशील कंवर पलाड़ा की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने देवलिया कला विजयनगर मार्ग और भिनाय लामगरा मार्ग सहित अनेक सड़कों के लिए लगभग 5.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। अलवर के रामगढ़ में रेलवे स्टेशन के पास पेड़ पर अधेड़ का शव लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पेड़ से शव को उतरवाकर रामगढ़ मोर्चे में रखवा दिया। दौसा की सीकराय में ई मित्र कियोस्क संचालकों की मनमानी चल रही है। वे उपभोक्ताओं से निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलते हैं। आधार कार्ड बनाने पर 100 रुपए तक वसूले करते हैं, जिससे कि सरकारी आदेशों की कोई पालना नहीं हो रही। चारोर के सायला में इन दिनों चोरियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सर्दी का फायदा उठाकर चोर वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। क्षेत्र के चौराऊ गांव के 3 मकानों के ताले तोड़कर चोरों ने माल पार कर लिया। वहीं चोरी की भट्टी वारदातों से पुलिस की गश्ती दल पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। हनुमानगढ़ के भादरा में राखी से रामसरा तक पेयजल सप्लाई लाइन को चालू कर व्यवस्था को सुचारू करने की मांग को लेकर मुंदड़िया बड़ा गांव में किसान संघर्ष समिति का धरना 6वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन को तेज करेंगे। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा में चक 5 SGR में सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीणों को धरना 3रे दिन भी जारी रहा। प्रशासन की उदासीनता से क्षुब्ध ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन द्वारा शीघ्र ही इस जगह पर हो रहे अतिक्रमण को नहीं रुकवाया गया तो अनिश्चितकालीन धरने को दिन रात धरने में बदल दिया जाएगा। हनुमानगढ़ के रावतसर में स्थानीय श्री शंकर सेवा समिति ने तहसील क्षेत्र में हुए करोड़ों के राशन घोटाले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को तत्काल दंडित करने की मांग की है। समिति ने ये मांग पर मुख्यमंत्री, महानिदेशक ACB, खाद्य आपूर्ति मंत्री, मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त को प्रेषित किया है। हनुमानगढ़ के नोहर में राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार और आयुर्वेद विभाग की ओर से 28 और 29 दिसंबर को निःशुल्क मेगा बहिरंग आयुर्वेद शिविर का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा। डॉक्टर राजाराम मिश्रा ने बताया कि ये शिविर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक लगेगा। शिविर के अंतर्गत महामारी, मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। जालौर के जसवंतपुरा में सिलदर रोड पर जीप की टक्कर से बालिका घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर बालिका को पालनपुर रेफर कर दिया गया। जालौर के भीनमाल में राजकीय चिकित्सालय के पीछे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के बाद विद्युत तार टूटने से वहां से गुजर रहा बाइक सवार चपेट में आ गया और झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने डिस्कॉम को सूचना देकर विद्युत सप्लाई बंद करवाई। इसके बाद डिस्कॉम कर्मियों ने टूटे तार को ठीक किया। हनुमानगढ़ के रावतसर शहर में आबकारी नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। नियमानुसार रात 8 बजे शराब की दुकानें बंद हो जानी चाहिए, लेकिन शहर में 8 बजे के बाद ठेकों पर रौनक और बढ़ जाती है। वहीं स्थानीय शहर में मेगा हाईवे, नोहर रोड, सरदार शहर मार्ग, हनुमानगढ़ रोड, हर तरफ लाइन होटलों पर खुलेआम शराबियों को शराब परोसी जाती है। सिरोही के पिंडवाड़ा में स्वरूपगंज डिस्कॉम क्षेत्र में बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। यहां कस्बे के इंदिरा कॉलोनी, हॉस्पिटल रोड समेत कई जगह कार्रवाई की गई। स्वरूपगंज कस्बे में अब तक 4 लोगों के खिलाफ VCR के तहत कार्रवाई हुई है। करौली के मंडवायल में अवैध बजरी खनन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए और 4 चालकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने देर रात
दरगमा मोड़ के पास वन अधिनियम के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अजमेर के अराई क्षेत्र के भामोलाव गांव में नरेगा कार्यस्थल पर श्रमिक की आकस्मिक मौत का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना सरपंच जगदीश जांगिड़ ने प्रशासन को दी। इसके बावजूद अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते बिना पोस्टमार्टम कराए ही श्रमिक का अंतिम संस्कार किया गया। अजमेर के पुष्कर में तेलोरा मार्ग पर बाइक पर सवार युवक सड़क किनारे खड़ी गाय से टकराकर घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों ने राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया। इस दौरान गंभीर रूप से घायल एक युवक को अजमेर रेफर कर दिया गया। टोंक के देवली में खनिज विभाग की टीम ने बजरी से भरी चार ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा। टीम ने गश्त के दौरान इन ट्रॉलियों को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कराया। अजमेर के पुष्कर में इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आने से मेले जैसा माहौल लग रहा है। इस कारण जगह जगह पर जाम के हालात बन गए हैं। पुलिस ने मुख्य मार्गों पर मोर्चा संभाल रखा है। टोंक के निवाई में गांव खंडदेवत में आम रास्ते में फैले कीचड़ से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे कि आवाजाही बंद रही। सूचना पर तहसीलदार गजेंद्र गोयल मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। करीब तीन घंटे बाद जाम खुल सका। ग्रामीणों ने बताया कि घास भैरव के से माता जी के मंदिर तक बीच रास्ते में कीचड़ फैला रहता है। भरतपुर के भुसावल में बालिका के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। गांव के निवासी पर यह आरोप लगा है। चूरू के सादुलपुर में मोहता कॉलेज की राशियों की दोनों इकाई के विशेष शिविर के चौथे दिन विभिन्न गतिविधियां हुई। कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर दिनेश बासोतिया ने बताया कि स्वयं सेविकाओं ने सघन श्रमदान का अभियान चलाया। चूरू के सुजानगढ़ में सुजला जिला बनाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति की ओर से किए जा रहे आंदोलन के तहत क्षेत्र के युवाओं ने पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। इस दौरान मुख्य बाजारों में दुकानदारों को मुख्यमंत्री को सुजला जिला बनाने की मांग को लेकर पत्र भी बांटे गए। चिरोई के शिवगंज में शहर में स्थित गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह की 351वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गुरुद्वारा के दरबार को फूलों से सजाया गया। इस दौरान शिवगंज और सुमेरपुर समेत आसपास के गांवों से अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भीलवाड़ा के करेड़ा में थाना क्षेत्र की आमदला ग्राम में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बीती रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर एक एलईडी और दो मॉनिटर और दो सीपीयू चुरा लिए, जिसकी जानकारी विद्यालय स्टाफ के स्कूल पहुंचने पर लगी तो स्थानीय सरपंच पारसी देवी गुर्जर मौके पर पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। खबर नागौर के कुचामन सिटी से, जहां पर केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी कुचामन दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने भव्य कार्यक्रम में शिरकत की। पाली के देसुरी में दूसरा दशक परियोजना देसुरी के तत्वाधान में सरपंच श्रीमान प्रवीण कुमार जी ने शिविर में उपस्थित 35 किशोरियों को स्वेटर वितरित किए। पाली के देसुरी में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल 5 दिवसीय शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक भ्रमण गुजरात के लिए रवाना हो गया। जोधपुर के फलौदी में शिक्षिकाओं ने रिफ्रेशर कोर्स में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लिया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष उदयलाल आंजना ने सेवन स्टार क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतापगढ़ के अरनौद में चुपना ग्राम पंचायत के गांव लुपड़ी में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 16 टीमें भाग ले रही हैं। बाड़मेर के कल्याणपुर में गंगावास और चारलाई की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 9वीं की बालिकाओं को साइकिलें वितरित की गई। जोधपुर के फलौदी में आदर्श विद्या मंदिर लोहावट में मातृ सम्मेलन आयोजित किया गया। यहां पर प्रधानाचार्य ने वीर मराम चौधरी ने कहा कि बालक की प्रथम पाठशाला माँ का आंचल होती है। पाली के सोजत सिटी में सहकारी समिति के भवन में पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में किसान दिवस मनाया गया। डूंगरपुर के जौथरी में पेशा कानून के तहत शांति समिति का गठन किया गया। सरपंच हरीश कटारा की अध्यक्षता में पेशा कानून की ग्राम सभा का आयोजन हुआ। अजमेर के पीसांगन में सेठन दरवाजा फतेहपुरा रोड पर स्थित राम द्वारा में भागवत कथा का आगाज हुआ। 7 दिवसीय कथा आयोजन को लेकर गाजेबाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। भरतपुर के कामों में प्रधान कमलेश कुमारी पर हुए जानलेवा हमले की घटना को 20 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर जाटा समाज ने रोष जाहिर किया। भरतपुर के पहाड़ी में कामा विधायक और रॉयल्टी ठेकेदार के बीच चल रहे रास्ते काटने के विवाद को पुलिस और प्रशासन सहित खनिज विभाग की टीम ने पैमाइश कर कटे रास्ते को सरकारी घोषित करने पर प्रशासन ने रास्ता खुलवा दिया। भरतपुर के कुम्हेर में आगरा बांदीकुई रेलमार्ग पर हेलक रेलवे स्टेशन के पास फाटक संख्या 50 को बंद कर अंडर पुलिया का निर्माण किया गया। इस दौरान इस मार्ग को रेल यातायात के लिए 4 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। निर्माण किए जाने के कारण इस
मांग से गुजरने वाली मालगाड़ी और बरेली पैसेंजर्स गाड़ी का आवागमन प्रभावित रहा। भरतपुर के सीकरी कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में 58 निर्धन छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। प्रधानाचार्य ने बताया कि इससे पहले कस्बा निवासी जयंती जैन ने और अध्यापिका कमलेश मनुजा ने भी स्वेटर निर्धन छात्राओं को उपलब्ध कराए। झलावाड़ के डगमे ग्राम पंचायत और विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पंचायत भवन में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन सरपंच राजेंद्र सिंह परिहार, गायत्री परिवार के नंदलाल शर्मा और डॉक्टर सुशील शर्मा ने किया। शिविर में 390 नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच, परामर्श और दवाइयां दी गई। झालावाड़ के बकारे में किशनपुरा में अभियांत्रिकी विभाग के एक्सीएन चंद्रशेखर वर्मा ने किशनपुरा ग्राम पंचायत में चल रहे नरेगा की साइट्स पर जाकर निरीक्षण किया। इसमें राजपुरा ग्रेवल सड़क के कार्यस्थल पर मस्टर रोल में 51 श्रमिकों में से 17 अनुपस्थित मिले। सभी गैर हाजिर श्रमिकों की मौके पर गैरहाजिरी लगा दी गई। झालावाड़ के खानपुर में राजस्थान पशु चिकित्सालय तकनीकी कर्मचारी संघ के बैनर तले कल एक दिवसीय आक्रोश रैली निकालकर 7वें वेतनमान में विसंगतियों को दूर करने की मांग की जाएगी। सिरोही के शिवगंज में ओसवाल जैन संघ के शांति कुंज में आयोजित स्नेह मिलन समारोह स्थल पर आग लग जाने से टेंट और अन्य सामान जल गया। बताया जा रहा है कि आग सिलेंडर लीक होने से लगी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई। हनुमानगढ़ के संगरिया में लेडीज मार्केट में रेडीमेड कपड़ों की दुकान में आग लग जाने से पूरी दुकान जलकर राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शी बंटी और सुखमन ने बताया कि वार्ड 14 में स्थित दुकान साहिब सेल पर बीती रात 11:30 बजे आग लगी। आग शॉर्ट सर्किट से लगी। हनुमानगढ़ के नोहर में गांव देवासर में आयोजित की जा रही कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ समारोह पूर्वक हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष अमित चाचान रहे। पालिका अध्यक्ष अमित चाचान ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन से हमारे परंपरागत खेलों को बढ़ावा मिलता है। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच देवासर चांदेड़ी के मध्य खेला गया। राजसमंद के रेलमगरा में उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत धनेरियागढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर विकास के मुद्दे पर चर्चा की। इसमें सरपंच दिलीप मड्डोवरा ने प्रत्येक योजना को घर घर तक पहुंचाकर सफल बनाने की प्रेरणा ली। इस अवसर पर पार्टी की योगेंद्र सिंह, बोथमल जाट, नवल सिंह के साथ समस्त वार्ड पंच एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। राजसमंद के रेलमगरा में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कंपनी शेयर को वीआरएस ले चुके कर्मचारियों में बंटवाने के लिए पूर्व कर्मचारियों ने अटल फेडरेशन उदयपुर के नाम से संगठन का निर्माण किया, जो कि कई वर्षों से कर्मचारियों को लाभ दिलवाने के लिए प्रयासरत है। इस संगठन से सैकड़ों कर्मचारियों ने सदस्यता ग्रहण करके जिंक के शेयर खरीदने में अपनी रुचि ही नहीं दिखाई। अजमेर के आराई में भाजपा मंडल बोराड़ा के 21 बूथों का प्रमुख सम्मेलन रामसिंहपुरा गांव में विधायक भागीरथ चौधरी और प्रदेश भाजपा संगठन मंत्री हरिहर पारीख की मौजूदगी में हुआ। बैठक में विधायक भागीरथ चौधरी ने बूथ स्तर पर भाजपा को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर संपर्क करने के लिए कहा। चूरू के रतनगढ़ में वाल्मीकि समाज ने सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है के पोस्टर फाड़ दिए और मुख्य बाजार में रैली निकाली। इसके बाद गढ़ परिसर के सामने सलमान खान और शिल्पा शेट्टी कुदरा का पुतला फूका गया। इसके बाद वाल्मीकि समाज और सफाई मजदूर संघ ने तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया। सिरोही के आबू रोड में पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने जिला प्रमुख पायल परसरामपुरिया को ज्ञापन देकर जिला परिषद की ओर से स्वीकृत सुलभ शौचालयों का निर्माण कार्य शीघ्र चालू करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि जिला परिषद की ओर से स्वीकृत कार्यों की राशि भी आवंटित की जा चुकी है। ज्ञापन में संबंधित कार्यकारी एजेंसी को निर्देश जारी कराएं कि सुलभ शौचालयों का निर्माण शीघ्र शुरू किया जाए। हनुमानगढ़ के रावतसर में रणजीतपुरा में पीसी क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन स्थानीय पालिका अध्यक्ष नीलम हरवीर सहारण ने समारोह पूर्वक किया। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा में दुलमाना क्रिकेट क्लब ने गांव के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में भगत सिंह ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष राजकुमार फंडा, डायरेक्टर भागीरथ गोदारा ने क्रिकेट खेलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। चूरू के सुजानगढ़ में सेवारत चिकित्सकों के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुजला ब्रांच के पदाधिकारियों ने राजकीय अस्पताल से गांधी चौक तक मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। चूरू के तारानगर में तारानगर चूरू सड़क की खस्ताहाल स्थिति, नवीनीकरण की मांग को लेकर संयुक्त व्यापार मंडल के व्यापारियों ने पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र राठौड़ को ज्ञापन दिया। चूरू के सादुलपुर में केंद्रीय अर्धसैनिक बल सेवानिवृत्त कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने सांसद के नेतृत्व में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों की बंद पेंशन चालू कराने की मांग की गई। जालौर के अहोर में चौधरी कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित विधानसभा स्तरीय प्रतिभावान सम्मान समारोह पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री भगराज चौधरी, भीमाराम पटेल की मौजूदगी में आयोजित किया गया।
पूर्व मंत्री चौधरी ने छात्र छात्राओं को लक्ष्य निर्धारित कर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हुए समाज बंधुओं को शिक्षा का महत्व समझाया। जालौर के अहोर में निकटवर्ती निम्बला गांव में दो परिवारों की आपसी मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। दूसरा थानाधिकारी निर्मा विश्नोई ने बताया कि गत 18 दिसंबर को सोनाराम प्रजापत तथा उसके काका भाइयों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। चलिए खबर पंचायत में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।